एक्सपेक्ट जब आप किसी और काम देखने आते हो ना तो एक्सपेक्ट करते हो अच्छी फिल्म हो अच्छा अच्छी वेब सीरीज हो या अच्छा शो हो. हम लोगों को मैंने पढ़ रखा है और मैंने काफ़ी मतलब जब डबिंग चल रही थी या जब हम शूट कर रहे थे तो वी नो व्हाट वी शॉट. आई एम जस्ट होपिंग कि एक साथ व्हेन यू पुट थिंग्स टुगेदर ना, क्योंकि आप अपना सीन करते हो और निकल जाते हो. और एक वेब सीरीज जब हमने शूट की, जब बिग सिनर्जी मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि स्केल बड़ा दिखाएंगे बट हमारा शेड्यूल टाइट है, सो यू वर्क रियली हार्ड और बहुत जल्दी जल्दी करते हो. एंड देन मेरे को ये एक्साइटमेंट है, मुझे ये देखना है हाउ इज इट कम टुगेदर, बिकॉज छह अलग अलग कैरेक्टर हैं, उनकी दोस्ती, उनकी डार्क साइड, कॉम्प्लिकेशंस, कौशिकी के साथ क्या होता है और उसके बाद वो कैसे सॉल्व होता है. डज इट कम आउट लाइक दैट? फिलहाल हम लोगों ने सब सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी अपने फैंस को बोला कि देखो, सो दे ऑलरेडी स्टार्ट सेइंग कि अरे बाकी के एपिसोड्स कहाँ हैं, विच मीन्स इट्स अ गुड साइन दैट दे आर हुक्ड. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग कि अगर लोगों को चार एपिसोड के बाद और भी देखने का मन कर रहा है, इट्स अ ग्रेट साइन, सो आई एम हैप्पी. वेल, आप लोगों के साथ मैं भी पहली बार देखूंगा एक्चुअली फर्स्ट फोर एपिसोड्स और रियली एक्साइटेड टू वॉच इट, बिकॉज मैंने बहुत बस कल एक आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैंने क्लिपिंग्स देखी थी ऑफ द शो, जैसे आप लोगों ने देखी थी. सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई थिंक शो बहुत अच्छा बना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मिस्टीरी, बहुत मिस्ट्री और बहुत थ्रिल एलिमेंट है. तो आई थिंक मज़ा आएगा आप लोगों को भी धीरे धीरे देखने में. देखिए, मुझे तो कोई भी नया कंटेंट देखने में बहुत मज़ा आता है, और ख़ासकर जब मेरे दोस्त इन्वॉल्व हों, वो लोग इन्वॉल्व हों जिन्हें मैं जानता हूँ, चाहे प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर हों, इस केस में बिग सिनर्जी हैं, नमित हैं, नमित शर्मा, जिन्हें मैं सालों से जानता हूँ, और ऑफ कोर्स इन एक्टर्स का मैं बहुत शौकीन हूँ, नमित दास का मैं काम देखता हूँ, ओमकार को हम सब ने देखा हुआ है. तो एंड इट्स सच अ डार्क थ्रिलर, द डार्क साइड ऑफ फ्रेंडशिप इज सच अ गुड वन लाइन, कि ये तो मैंने वैसे भी देखना था. ये तो लक की बात है कि नमित ने मुझे इन्वाइट कर लिया आप लोगों के साथ देखने के लिए. और व्यू के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है. इनफैक्ट मैंने अपनी डिजिटल करियर की शुरुआत व्यू के साथ की है, तो व्यू की जो प्रोग्रामिंग है वो खासकर मुझे बहुत पसंद है और आप सबको भी देखनी चाहिए. आई सेड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग ऑन द डिजिटल वर्ल्ड. आई थिंक बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, इट्स बीइंग एक्सट्रीमली क्रिएटिव, इट्स द काइंड ऑफ वर्क एनी एक्टर वांट्स टू डू. एंड ऑफ कोर्स आई नो नमित, आई नो बिग सिनर्जी, एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस, बिकॉज इट इज़ अ शो अबाउट द डार्क साइड ऑफ फ्रेंडशिप. एंड आई थिंक हर इंसान में एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. इट्स लाइक व्हेन अ बंच ऑफ नेगेटिव्स गेट टुगेदर ऑफ डिफरेंट फ्रेंड्स, देन व्हाट हैपेंस. So I'm excited to see it, and I wish them all the very best. Namit is fab, so I'm pretty sure it's going to be amazing. मैंने ना थोड़ी सी चीटिंग कर ली है. मैं एक्चुअली रुक नहीं पाई. कल रात को रिलीज़ किया फर्स्ट फोर एपिसोड्स, तो मैंने जाके देख लिया. तो ऑल्दो आई एम सपोज टू सी द होल थिंग एट द स्क्रीनिंग विद माई कास्ट एंड क्रू, but I've already seen it, I mean seen the first four episodes, and I'm quite excited actually. I have my thoughts, but I'm going to share them once everyone's watched them. But it looks really nice, and it's turned out better than I'd expected it to. So let's hope. I'm just waiting for everyone to see it and actually having a good time, because we are actually meeting a lot of the crew today, and you know, very close friends and all. So hopefully it'll be a happy evening.